घर से दूर हम परदेसियों की भी क्या होली। खैर दस्तूर है तो कह लेते हैं हैप्पी होली। तो आज का दिन एकदम यूजुअल दिन की तरह था, वीकडे जो था भाई, पर यहाँ चित्रांग जैसे ही स्कूल से आया मैंने एकदम खिलखिलाते हुए हंसी के साथ बोला उसको हैप्पी होली, तो यहाँ वो जवाब में मुझे बोल रहा है। उसके बाद आज के दिन बनते हैं गुजिया, पापड़, चिप्स और जाने कितने तरीके के पकवान, और यहाँ वो मुझसे पूछ रहा है मम्मा आज खाने में क्या स्पेशल बनाया है। मेरा जवाब सुन के सैड हो गया क्योंकि आज खाने में बना था आलू बैंगन। उसके बाद मैंने उसे बोला कि जल्दी से खा लो और उसके बाद तैयार हो जाओ क्योंकि हम जाएंगे होली खेलने अपने फ्रेंड्स के घर। अब 6-7 साल तो हो ही गए दुबई में और हम सेटल भी हो गए हैं और हमेशा यही लगता है कि अब ऐसी जाएगी होली और ऐसी जाएगी दिवाली, पर फोटोग्राफ्स तो ले ही सकते हैं ना, बिकॉज हैप्पी टाइम्स कम एंड गो बट मेमोरी स्टेज फॉर एवर। तो यही सोचते सोचते मैं जा रही थी कि परदेश में कैसी होली, जहाँ ना होगी दोस्तों की टोली, ना होंगे परिवार वाले। अब याद आती है वो बचपन की होली, दोस्तों के साथ मस्ती, खुशी का माहौल और वो घर आने वाले मेहमान, रंग गुलाल और माँ के हाथ के पकवान। वो जब हम छोटे होते थे ना, हमको लगता था हमें बाहर जाना है, दूसरी कंट्री जाना है, तो दूर के ढोल ना सुहावने लगते हैं। और उसके बाद याद आती है ना घर वालों की, माँ बाप की, भाई बहन की, रिश्तेदारों की, उन दोस्तों की। तब लगता है कि परदेश में कैसी होली, जहाँ ना होगी दोस्तों की टोली, ना होंगे परिवार वाले। बस चित्रांग ने ऐसी कुछ एंजॉय करा, हमने खाना वाना खाया, गप्पे वप्पे मारी और उसके बाद हम वापस आ गए घर। हैप्पी होली, यही था आज का दिन। बाय।